हे गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली इन एडवांस। तो इस दिवाली पे मैं दिवाली स्पेशल अपना ये ब्लॉग लाई हूँ, क्योंकि दिवाली जब जैसे दिवाली का सीज़न मतलब शुरू होने को आता है, त्यौहार के बारे में हम सोचते हैं तो जो सबसे पहले ख्याल आता है वो होता है क्लीनिंग का और अपने घर को ऑर्गेनाइज करने का। तो यहाँ पर मैं आपसे शेयर करूँगी 15 ऐसी मतलब सफाइयाँ या टिप्स कह लें आप, जो कि हमें करनी है एवरी डे नहीं, अल्टरनेट डेज पे 20 मिनट्स, यानी एक दिन 20 मिनट, फिर वो हम गैप कर देंगे और उस दिन जो जिस दिन हम गैप करेंगे उस दिन रखेंगे 10 मिनट क्लीनिंग। तो इसमें क्लीनिंग हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि अपनी चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे क्लीन करें, कैसे चेंज करें। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूँगी 15 डे 20 मिनट क्लीनिंग, और उसके बाद मैं नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा वो आएगा 10 मिनट क्लीनिंग। तो इस तरह से ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा इसको और पूरा ब्लॉग देखिएगा। तो चलिए आज मैं आपसे शेयर करूँगी पहला अपना part 1 ब्लॉग दिवाली का क्लीनिंग वाला, जिसमें हम करेंगे 20 मिनट अल्टरनेट डेज क्लीनिंग या ऑर्गेनाइज चीज़ों को। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सोल्यूशन बना लेंगे जिससे कि हम अपना सफाई करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिया है सोडा और विनेगर इसमें डाल दिया है 4 बड़े चम्मच, और थोड़ा सा इसमें विम लिक्विड डालेंगे या कोई भी जो आप यूज़ करते हो वो डाल लें और फिर पानी डाल लें। तो ये जो सोल्यूशन होता है क्लीनिंग वाला बहुत ही अच्छा सा बन जाता है होममेड। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपनी टाइल्स को साफ़ करने से, क्योंकि सबसे ज़्यादा किचन में टाइल्स ही गंदी होती हैं, क्योंकि हम जो अपना स्टोव रखते हैं गैस का तो जितनी भी कुकिंग होती है तो काफ़ी तेल वगैरह उड़ के आता है। अब नंबर 2 पे हम क्लीन करेंगे अपना माइक्रोवेव ओवन। तो जो मैंने ये सोल्यूशन बनाया था उसी को रख देंगे माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए, और देखेंगे इसके रिज़ल्ट इतने शानदार से होते हैं, जो सारा इसमें भाप जो बनती है स्टीमिंग तो उसी से माइक्रोवेव एकदम चमक जाता है कुछ इस तरीके से। बस 5 मिनट के लिए आपको पानी रख के चला देना है और आपका माइक्रोवेव अंदर बाहर से एकदम परफेक्टली क्लीन हो जाता है। और अब नंबर 3 पे आते हैं कि गैस स्टोव की क्लीनिंग करना डीप क्लीनिंग। तो मेरा ये जो है कुकिंग रेंज वाला है जो कि इस टाइल्स में ही फिक्स है, तो इसको उठा के और जो जहाँ पे ये कटिंग हुई रहती है तो उसमें काफ़ी गंदगी जम जाती है। तो आपके पास चाहे जो जौन सा भी जिस तरह का भी गैस स्टोव हो उसको इस तरह से कम महीने में एक बार तो 20 मिनट देने ही चाहिए, जिसमें कि आप अपना जो बर्नर होता है उसको अच्छे से किसी सोल्यूशन में भिगो के रख दें और ताकि उसमें अच्छी सी फ्लेमिंग वगैरह हो। ये डिपेंड करता है आपके पास कैसा गैस का चूल्हा है। और नंबर 4 है कि किचन में बहुत सारे शेल्फ होते हैं तो सारे को एक ही बार में करना पॉसिबल नहीं होता है, तो कभी 2 कभी 4 इस तरह से। तो मैंने देखी डिब्बे मेरे इधर उधर बहुत ज़्यादा हो गए थे मिसमैच, तो यहाँ पे सारे मैंने निकाल लिए, जो शीट बिछाई थी वो भी उसको मैंने साफ़ कर ली है, धुल लिया है, और जब वो सूख गई है तो अभी एक एक डिब्बा पोंछ देंगे क्योंकि, और फिर उसको देखिए मैंने ये साइज़ वाइज और कलर वाइज इसको अब अरेंज कर दिया है। तो इस तरह से हम अपना एक एक दो दो 20 मिनट निकाल के एक दिन में इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डिब्बों को। और नेक्स्ट है कि सबके घरों में सिंक होता है, तो सिंक में तो वैसे तो डेली ही का काम होता है सिंक को साफ़ करना, लेकिन कभी कभी ऐसे डीप क्लीन कर दें। और नंबर 6 है कि बाथरूम की क्लीनिंग, इस पर भी मेरा पूरा वीडियो एक है। तो बाथरूम कहते हैं ना कि अगर आपको किसी के घर के सफाई का अंदाज़ा लगाना हो तो वहाँ के बाथरूम से लोग चेक करते हैं, तो इसलिए बाथरूम की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो 20 मिनट बाथरूम क्लीन करें, और फिर घर में इतने ज़्यादा आपके फर्नीचर होता है तो उसके कवर होते हैं जैसे डाइनिंग टेबल के सोफ़ा कवर, कुशन कवर, अगर दीवान सेट है तो एक दिन इसको दे सकते हैं आप, और टेबल कवर जो होता है सेंटर टेबल कवर उसको भी वॉश कर सकते हैं, और ये और बेडशीट भी चेंज करना घर की पूरी, वो भी एक 20 मिनट का काम होता है। जब भी आप जिस दिन भी करते हो 15 दिन बाद
या हफ्ते में एक बार, और हमेशा सफाई तो नहीं कर सकते, कभी कभी कुछ चेंज माइंड करने के लिए करना हो तो आपको अगर शौक़ हो तो आप कुछ अपने घर पे वेस्ट से बना सकती हैं। तो यहाँ पे ये बॉक्स था, बहुत अच्छा सा था, मतलब साइज़ भी इसका बढ़िया सा था, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसका एक स्टैंड टाइप का बना लेते हैं। तो सामान वामान जो होता है चश्मे का, जैसे केस है या फिर वायर हैं आपके, चार्जर वगैरह, तो इस तरह से सब इसको देखिए डिब्बे को अच्छे से कवर कर लिया है। और जो कुछ भी घर में थोड़ा बहुत बच्चों का सामान तो रहता ही है, तो उन सब से करके ये ब्यूटीफुल सा बॉक्स बना लिया है और बहुत ही यूज़फुल होता है। और आप लोग ये सारे हैक्स जो है ट्राई करिएगा और इस तरह से अपने घर की सफाई करेंगे तो आपकी दिवाली की सफाई भी हो जाएगी। और ये थ्रू आउट द वीक कह लें, थ्रू आउट द मंथ कह लें, पूरा आपका घर एकदम साफ़ सुथरा भी रहता है। अगर आप अल्टरनेट डेज पे, मतलब 15 डे, मैंने ये सारा कुछ 50 बताया है, 50 पॉइंट हैं, लेकिन ये अल्टरनेट डे पे हैं कि 15 दिन अगर आप घर की सफाई को देंगे एक एक दिन छोड़ के, तो आपका घर एकदम ऑर्गेनाइज और क्लीन रहेगा। और नेक्स्ट फिर अपने भी चीज़ों पे आ जाते हैं, तो कभी कभी जो आपकी ज्वेलरी होती है बहुत ज़्यादा सी उलझ जाती है, तो मेरी ये सब ज्वेलरी देखी काफ़ी उलझ सी गई थी, इधर उधर हो गई थी, तो फिर इसको भी मैं अरेंज करके रख दूँगी, एक दिन निकाल के अपना ये काम भी कर लें, ताकि अगर आपको कहीं शादी वगैरह में जाना हो तो सारी चीज़ें आसानी से मिल जाए। तो जितना मेरा सिल्वर था मैंने वो एक जगह कर दिया, और जो मेरे सेट थे गोल्डन वाले या लॉन्ग वाले वो अलग से मैंने कर दिए। मेरा ज्वेलरी कलेक्शन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, इसको भी ऑर्गेनाइज कर दिया मैंने बढ़िया से, और बैंगल भी अच्छे से लगा दी है। तो यहाँ पे मेरा ज्वेलरी वाला जो सामान है वो भी एकदम अच्छे से रख गया है। और नेक्स्ट ये है, अगर आपको किचन साफ़ करना है तो इसमें जो कंटेनर होते हैं उसको भी टाइम से धुलना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे जो डिब्बे हैं वो खाली कर दिए हैं, और बस इसको जो भी आप यूज़ करते हो बर्तन धुलने के लिए, विम बार या लिक्विड, तो उससे अगर आप धुल देंगे महीने में एक बार या 15 दिन में, तो ऐसे आपके डिब्बे भी साफ़ सुथरे रहते हैं, और फिर एकदम से बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती कि बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो जितने ज़्यादा गंदे होते हैं उतना ज़्यादा टाइम भी लगता है, तो बस थोड़े थोड़े करके आप डिब्बों को भी रेगुलरली धुलते रहें तो सारे डिब्बे भी आपके क्लीन रहेंगे। तो देखिए आप, मैंने सारे डिब्बे वॉश कर दिए, अब सूख जाएगा तो उसमें सामान रख देंगे। और अगर चिमनी हो घर में तो उसको भी साफ़ करना ज़रूरी रहता है। तो चिमनी ऐसी चीज़ होती है ना कि सारा कुछ इसमें डस्ट भी जाता है और साथ ही साथ ऑयल वगैरह तो इसमें जाता है, तो इसकी भी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी चिमनी बढ़िया से ठीक सी रहेगी तभी वो अच्छे से वर्क करती है और किचन बहुत ज़्यादा फिर गंदा नहीं होता है। तो बस गर्म पानी लेंगे और थोड़ा सा मैंने इसमें सोप डाल दिया है लिक्विड वाला, और इसके ऊपर डाल के थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि इसमें जो मैल और तेल जो जमा हुआ था वो फूल जाएगा अच्छे से, तो फिर आपका काम जल्दी से हो जाता है। बस 15 मिनट के लिए गर्म पानी डाल के आप इसे छोड़ दें, और फिर उसके बाद ब्रश से या फिर उससे बर्तन मारने वाले से, स्टील का जो होता है काथा, उससे साफ़ कर लें, और फिर आपकी चिमनी भी फटाफट साफ़ हो जाएगी। और जिसके घर में जैसा जिसका घर होगा, सामान होंगे, एक्सेसरीज होंगी किचन की या घर की, तो वो डिपेंड करता है कि उस हिसाब से हर एक चीज़ को बांट ले, एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डेज पे 20 मिनट अपने घर को ऑर्गेनाइज करने में और इसको सफाई करने में लगाएगा तो उसका घर एकदम चमचमाता रहेगा। और डस्टिंग तो बहुत ही आती है हर जगह, तो एक दिन निकाल लें 20 मिनट और डीप डस्टिंग कर दें, जो जितना भी आपका फर्नीचर है नीचे का
क्योंकि हम लोग ऊपर ऊपर सफाई कर देते हैं, नीचे ध्यान नहीं देते हैं। तो जो वॉशिंग मशीन है, टेबल चेयर है, सेंटर टेबल के नीचे का देखिए कितना धूल मिट्टी जम जाता है। तो एक दिन डीप ब्रस्टिंग कर दें तो ये सारा भी आपका एकदम क्लीन रहता है। और जो हमारे घर में खिड़कियां दरवाजे होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है। और दिवाली की सफाई में ये सारी सफाइयाँ भी आती हैं। तो विंडो है, जो डोर है, वो देखिए कितने धूल मिट्टी से वो हो जाते हैं। टाइम मिले तो आप इसको डेली कर दें या एक दिन छोड़ के कर दें, और एक दिन डीप क्लीनिंग करें महीने में एक बार अच्छे से कोना कोना हर चीज़। और चाहे तो इसमें कुछ कॉलिन वगैरह डाल दें। और देखिए यहाँ पे खिड़की पे कितनी धूल मिट्टी जम जाती है, जो ये रहती है ग्रिल उस पर भी काफ़ी गंदगी जम जाती है। तो ऐसे करके साफ़ कर दें। और जाला घर में साफ़ करना भी कहते हैं बहुत ज़रूरी होता है। तो एक दिन 20 मिनट पूरे घर का निकाल के पूरे घर का जाला साफ़ कर दें। जितनी जल्दी जल्दी आप लोग क्लीनिंग करते हैं टाइम टू टाइम, तो फिर ऐसे आपका घर बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो ये सारे पॉइंट थे मेरे। आई होप कि आपको यह वाला वीडियो पसंद आया हो। तो आप भी मेरे टिप्स एंड ट्रिक फॉलो करिएगा, और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।